ऑटो 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 झंडा जो आपने लगा रखा ऊपर ही है, ये आप ही लगाया गया? ये स्कूल से मिला, मैंने लगाया स्कूल में। देखो साहब कैसे लगा रखा है आपने, और मुझे देख के बताओ क्या कमी है इसमें। ये उल्टा लगा रखा मैंने। सही करो इसे, साइड में लगा के करो। चाहे जो भी बैठा है, ये सवारी झंडे से बढ़ के नहीं है। साइड में लगाओ, हाँ लगाओ अभी। कई बार जो है ना, मुझे लगता है कि लोग गलती से भी हो जाता है। वो ऐसा था, उस टाइम जो डाला था ना, तो इसका प्रिंट जो है दोनों तरफ एक जैसा ही नजर आ रहा था। अच्छा, इसलिए तो चलो कोई नहीं, गलती से हो गया होगा। जिसने बांधा था ना, वो किसी बंदे से बनवाया था मैंने, ये तार भी उसी से लिया था। कई बार लोग, मैं देख रहा हूँ लोगों ने बड़े बड़े घरों में भी उल्टे टांग रखे, आज वही काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, और आप कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से 80 ऑटो वाले, बाकी बच्चे को तो बाकी सभी ने लगाया है, ज्यादा मेरा आइडिया है। नहीं, अच्छी बात है। देखो आपकी सम्मान है, देशभक्ति अच्छी बात है, पर कई बार जो है ना, जाने जाने गलती हो जाती है, तो आप लोगों को जागरूक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। नहीं बिल्कुल, कई बार ऐसा होता माइंड में नहीं होता कैसे बांधना होता कैसे नहीं बांधना होता, बांध दिया तो ऊपर जाके सब एक ही जैसा हो जाता है। सही बात, सही बात। मेरे को भी अनुभव था इस चीज़ का, मैंने जब लगा दिया तो मैंने कहा अभी इसको बांधेंगे तो फ्री टाइम में सीधा करेंगे, लेकिन वो फ्री टाइम अभी नेचुरल मिला नहीं। अभी तार रख लेता हूँ मैं, बाद में बांधूंगा, क्योंकि सवारी को काटना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। चलिए ठीक है, गुड, चेंज कर दो उसे। नहीं, आपका मान जरूर है, जो चीज़ गलत है वो गलत है सर। बिल्कुल, मैं भी सोच रहा था बोलने के लिए। तो देखिए, पॉजिटिवली जो कोई चीज़ गलती से हो भी जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और हमने भी जो है इस बारी बड़े प्यार से सम्मान से इनको रोक के समझाया है। अक्सर आप लोग कहते हो कि जी आप जो है बड़े गलत तरीके से लोगों को समझाते हो, इस बारी बड़े प्यार से समझाया, इनका भी जो है रिस्पेक्ट में उन्होंने ऑटो साइड में लगाया और इसको सही कर रहे हैं, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो आसपास जो भी लोग आपकी इस टाइप से व्हीकल्स पे राष्ट्र ध्वज को लगा के चलें, आपको भी ध्यान रखना है कि वो गलती से जाने अनजाने वॉलेशन ना करें, क्योंकि राष्ट्र ध्वज का ना सिर्फ अपमान है बल्कि देश की भी छवि खराब करता है, और ये दिखाता है कि हम लोग जागरूक नहीं है अपने राष्ट्र ध्वज को लेकर। इसको खोल के ना सीधा कीजिए अभी आप, ये अभी सीधा नहीं हुआ। हाँ, इसको भी फोल्ड करके रख लीजिए, ऊपर से खोल के पूरा सीधा करके तब लगाइएगा। ठीक है, ठीक है सर, दीजिए रख लीजिए। ओके, हाँ जी, नहीं झंडा जो उल्टा लगा रखा है सीधा करवाओ, FIR हो जाएगी वरना। झंडा इतना ऊंचा होना चाहिए कि टिके ना इसके अंदर।